नमस्कार, मैं अनुराग, आप देख रहे हैं बेबाग बात। बेबाग बात में आपका स्वागत है। मेरे साथ इस समय स्टूडियो में है कवि सुमित, ओरछा के सुमित। सुमित, आपका बहुत बहुत अभिनंदन है। सुमित युवा कवि हैं, साथ में राजनीति करते हैं, और सुमित को देखें तो उनकी जॉकेट के ऊपर नमो लिखा हुआ है। आप नमो का माने नरेंद्र मोदी, बहुत प्रभावित हैं नरेंद्र मोदी से। नरेंद्र मोदी बिल्कुल निसंदेह उनके राष्ट्र के प्रति जो उनका समर्पण है, उनकी देश के लिए काम करने की जो इच्छा शक्ति होती है, जो उनका पूरी दिनचर्या है, जो उनकी पूरी जीवन यात्रा है, बहुत प्रभावित करती है। एक स्वयंसेवक के नाते, एक स्वयंसेवक का इस मुकाम पर जाकर के इतना काम करना, स्वाभाविक सी बात है कि किसी दूसरे स्वयंसेवक को बहुत आनंद। और भी कुछ खूबियां लगी क्या मोदी जी में? निसंदेह खूबियों के वो बहुत सारे, मतलब उनके वो तो पूरा कंप्लीट पैकेज है खूबियों का। उनकी खूबियां बताते बताते पूरा इंटरव्यू हो जाएगा, लेकिन जो सबसे अच्छी बात उनकी मुझे लगती है कि इतनी व्यस्त जिंदगी होने के बावजूद उन्होंने जो अपने प्रवास का जो प्रबंधन होता है, उनके प्रवास का, मैं भी एक प्रवासी कार्यकर्ता हूँ, प्रवास का जो उनका प्रबंधन है मुझे बहुत अट्रैक्ट करता है। जैसे एक देश में जा रहे हैं तो उसके बीच में पड़ने वाले चार देशों में उनका स्टे होना, वहां भी कोई कार्यक्रम कर देना, या उसके बीच में यात्रा के बीच में आसपास के देशों में उनकी यात्रा कर लेना, तो जो उनका जो टाइमिंग है, मैनेजमेंट है उनका, पूरे दिन का प्रबंधन मुझे बहुत आकर्षित करता है। आपको आकर्षित करता है, लोग इसकी बहुत आलोचना करते हैं कि वो नक्शे पे ढूंढते रहते हैं कौन सा देश बचा है जहाँ नहीं जा पाए अभी तक। देखिए दृष्टिकोण है, दृष्टिकोण का बड़ा खेल है जिंदगी में। कहते हैं नजरिया बदलेंगे तो नजारे बदल जाएंगे। किसी को गिलास आधा भरा दिखता है, किसी को आधा खाली दिखता है, और किसी को पूरा भरा दिखता है, आधा हवा से आधा पानी से। मैं उसी दृष्टिकोण का व्यक्ति हूँ जो माननीय मोदी जी ने कहा था, तो मुझे लगता है कि ये बहुत सकारात्मक पक्ष है। मोदी जी को ढाल लिया अपने में, आपने विज्ञान भवन में भाषण दिया था। मोदी जी को मैंने ढाल लिया ऐसा कहूंगा तो मैं इसको और पीछे जाके कहूंगा तो मोदी जी जिस जहां से ढले हैं वहीं से मैं भी ढल रहा हूं। तो हमारा परिवार, हमारा जो विचार परिवार है, जो हमारी मातृ संस्था है, वो एक है। इस कारण से स्वाभाविक है कि हमारी प्रवृत्तियां, हमारी चेष्टाएं एक जैसी होंगी। तो सिर्फ स्वयंसेवक हैं या और भी दायित्व संभाले संघ में? स्वयंसेवक के नाते, मुख्य शिक्षक के नाते काम किया, जो दायित्व मिलता गया, बाकी फिर मैं राजनीतिक क्षेत्र में आ गया। तो संघ, जब आप राजनीतिक क्षेत्र में चले जाते हैं तो संघ क्षेत्र का दायित्व नहीं मिलता। बुंदेलखंड की माटी से हैं सुमित, कविताएं लिखते हैं, साफ गोई के लिए जाने जाते थे, अब बीजेपी से जुड़े हुए हैं, तो बीजेपी की बात करते हैं। सुमित के बारे में एक चीज़ बताना चाहूँगा कि जो जल परंपरा थी बुंदेलखंड की, वो विलुप्त हो गई है, और सुमित की बड़ी इच्छा है कि जितने जलाशय हैं बुंदेलखंड में उनके लिए भी आपने यात्रा शुरू की थी, सब कुछ किया और बीच में बंद कर दिया। बुंदेलखंड के तालाबों का गहरीकरण, एक बुंदेलखंड की, मतलब बुंदेलखंड के लिए बहुत सारे काम करने की कोशिश हर सरकारों ने की होगी, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण काम था कि बुंदेलखंड के जो प्राचीन तालाब है, 5000 प्राचीन तालाब है, बहुत बड़ी समस्या है। इस समय नहीं, प्राचीन समय से थी। इसी कारण से हमारे राजा महाराजाओं ने, हमारी जो रियासतों ने, राजाओं ने तो मीटिंग की बाकायदा, और उस मीटिंग में तय किया कि तुम कितने तालाब बनाओगे, तुम कितने बनाओगे, और आज उनके नामों पर तालाब स्थापित है। इतने अच्छे अच्छे तालाब हैं कि इस भीषण सूखे के दौर में भी वहां पर पानी नहीं सूखता। लेकिन समय के साथ वो तालाब उथले होते गए, उन तालाबों में पुराव होता गया, उनके गहरीकरण के लिए सरकारों ने कोई योजना नहीं बनाई। बुंदेलखंड पैकेज आया, समय समय पर सरकारें बुंदेलखंड के पानी के लिए, कभी शिवराज जी 200 करोड़ देते थे, तरह तरह के काम होते रहते थे, लेकिन वो अधिकारियों के दिमाग में कोई फ्रेम ना होने के कारण वो क्या करते थे, बुंदेलखंड पैकेज का पैसा आया तो सब्जी मंडियां बना दी। अब सब्जी मंडी से पानी का, बुंदेलखंड का पैसा था पानी के प्रबंधन के लिए, अब सब्जी मंडी की दुकानें बनाने से पानी का कौन सा लाभ होगा, मेरी समझ से परे था। तो हमने कहा कि आपकी तो सरकार थी, आप बात कर सकते थे। ये उत्तर देखिए, बुंदेलखंड की जब हम बात करेंगे तो मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश पूरा बुंदेलखंड है, और समस्या सिर्फ हम क्षेत्र उसमें नहीं, हमारी संस्कृति की दृष्टि से, भाषा की दृष्टि से, परंपराओं की दृष्टि से उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश का बुंदेलखंड है। और इसके लिए सरकारें किसके दृष्टि से काम करती हैं, प्रशासन की दृष्टि से। जो प्रपोजल चला गया, मैंने कहा ये प्रपोजल कैसे सुधरेंगे, इसके लिए जनता में वातावरण बनाना पड़ेगा। और इसलिए मैं यात्रा लेकर के 3 बार निकला, जन प्रणाम यात्रा निकल के निकला, युवा संदेश यात्रा लेकर के निकला, और अभी बनवासी राम से राजा राम की यात्रा लेकर के निकला। लेकिन बीच में यात्रा ये भी हुआ कि पार्टी के लोगों ने आपकी यात्रा रुकवा दी? ना, ऐसा नहीं है कि पार्टी के लोगों ने यात्रा रुकवाई, पार्टी को जरूरत थी। मैं कार्यकर्ता हूँ पार्टी का, मेरे पास जब कोई काम नहीं था तो मैं यात्रा कर रहा था, ये इस काम में लगा था। अभी चुनाव का समय आ गया, पार्टी को कोई उपयोग आया मेरा, तो पार्टी ने दूसरे काम में लगा दिया। जिस दिन ये खत्म होगा, ये चुनाव का पूरा कैंपेन खत्म होगा, मोदी जी पुनः एक बार आएंगे,
तो हमने नारा ही, हम इस नारे के साथ ही बुंदेलखंड में निकले थे कि बुंदेलखंड प्यासा है, मोदी जी से आशा है। हमने कहा जनता से कि इस समय देश में एक ऐसे प्रधानमंत्री बैठे हैं जो पूरे देश की बड़ी बड़ी समस्याओं का समाधान कर रहे हैं, और अगर आप और हमने एक होकर के बुंदेलखंड के नेतृत्व के माध्यम से अगर इस बात को पहुंचाया तो अभी बुंदेलखंड के तालाबों, क्योंकि और समय तो पैसा आएंगे खा जाएंगे, लेकिन नरेंद्र मोदी जी के समय जो पैसा आएगा केंद्र से वो 100% उपयोग में आएगा, तालाबों का गहरीकरण होगा, सैटेलाइट मॉनिटरिंग होगी और तालाब गहरे हो जाएंगे। बीच में कहीं कुछ गड़बड़ हुई क्योंकि मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार थी और थोड़ा सा वोटों में हेर फेर हुआ, आप देखिए बुंदेलखंड से लेके और सब तरफ सीटें कम हो गई। बुंदेलखंड से एक जिले छतरपुर से हमारी सीटें कम हो गई, थोड़ा दमोह से सीटें कम हुई, कुछ आपसी खींचतान से कहीं कोई चुनाव का बॉडी हो पाया, और चंबल से हमारी सीटें कम हो गई, ग्वालियर चंबल संभाग से। तो उस कारण से सरकार गई है, जो गई है वो आएगी, जनता उसका अफसोस कर रही है, निश्चित रूप से आगे परिणाम आएंगे। तो उसका ये पार्टी के लोग अफसोस कर रहे हैं कि नहीं, जो पार्टी को हरवा देते हैं? पार्टी तो निरंतर 2 से लेकर के आज तक की यात्रा पे आई है, तो कोई इतनी लंबी यात्रा और इतनी सफलतापूर्वक कीर्तिमान रच रहा है तो निसंदेह आप ये मानेंगे कि वो चिंतन की परंपरा से, चिंतन के दौर से गुजरती होगी। पार्टी में चिंतन की, मंथन की और उसे सुधार करके नए रूप में परिवर्तन की एक परंपरा है, हमारी रीति नीति है। निसंदेह ये जो परिणाम आए हैं उस पर पार्टी ने चिंतन किया और उसका ही परिणाम देखिए संगठनात्मक परिवर्तन हुए, उसका ही परिणाम देखिए कि टिकट घोषित होने से पहले ये स्टेटमेंट देना कि किसी भी सांसद को छत्तीसगढ़ में टिकट नहीं मिलेगा, ये पार्टी उसी चिंतन के मंथन से जो निकला है उसी पर लागू कर रही। हम जिस विचार की बात कर रहे हैं वो तो दरिद्र नारायण की बात करता है, सबसे आखिर में खड़े व्यक्ति की बात करता है। बीच में कुछ इस तरह के बयान शिवराज जी ने दिए जिससे लोग बड़े नाराज हो गए थे। सुमित के बारे में बताना चाहूँगा कि ये कोई चश्मा नहीं लगाते हैं जब कविताएं करते हैं उस समय, सुमित मिश्रा हैं लेकिन सुमित ओरछा के नाम से जाने जाते हैं, आपने सरनेम भी गायब कर दिया अपना। सरनेम गायब करने के पीछे तो मेरी ये है कि जब मैंने कविता के क्षेत्र में यात्रा की तो और समाज में काम करता था तो मैंने एक ऑब्जर्वेशन आया मेरे कि कई लोग मुझे सिर्फ इसलिए प्रेम करते हैं कि मैं उनकी जाति का हूँ और कई लोग मुझे इसलिए प्रेम नहीं करते कि मैं उनकी जाति का नहीं हूँ। तो मेरी इच्छा थी कि यह देश मेरी मृत्यु के बाद, मेरे जाने के बाद इस लोक से मेरे कार्यों का मूल्यांकन मेरे कर्म के आधार पर करे, और इसलिए मैंने अपनी जाति को हाइड किया, अपने गाँव अपने ओरछा को, रामराजा सरकार की नगरी को मैंने उसमें। वो जब राजनीति में सिर्फ जातियों की बात होती है तो ठीक लगता है। मैंने 4 पंक्तियां लिखी थी उसके लिए कि है कोई ठोस कितना ये नहीं आकार बोलेगा, फितरत जैसी होगी वो स्वयं साकार बोलेगा, फकत अब नाम ही अपना मैं सबको बताऊंगा, मेरी जाति के बारे में मेरा किरदार बोलेगा। हम अच्छा काम करेंगे तो लोग पहचान जाएंगे कि किरदार हमेशा बोलता है। कबीर क्या थे, रहीम क्या थी, हमने कभी उनकी जाति समुदाय के बारे में बात नहीं की। जब हम साहित्य की बात करते हैं, जब हम विराट हो जाते हैं, जब हम भव्य हो जाते हैं तो ये चीज़ें गौण हो जाती हैं, लेकिन जब राजनीति में आते हैं तो ये चीज़ें महत्वपूर्ण हो जाती हैं। किन के लिए महत्वपूर्ण होती हैं? मैं तो राजनीति को मानता हूं कि अगर राजनीति में आना है तो सबसे पहले आदमी को अपनी जाति छोड़नी चाहिए, क्योंकि या तो आप जातिगत संगठनों में जाइए, अगर आप राजनीति कर रहे हैं तो समाज के हर व्यक्ति को आपको गले लगाना पड़ेगा और हर व्यक्ति के गले लगना पड़ेगा। कैसे लोग करते हैं वो लोग मेरे लिए आदरणीय नहीं है। तो ओबीसी का आदमी है तो इतनी सीट मिलेंगी, एसटी है तो इतना, एससी है तो इतना, सामान्य है तो इतना, उसमें भी बनिया है तो इतना, ठाकुर है तो इतना। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने 1955 में जब उन्होंने विस्तृत रूप से 3 दिन देश को संबोधित किया, कार्यकर्ताओं को संबोधित किया, तो वो सारी बातें जो उन्होंने कही थी आज आ रही है। उन्होंने कहा था कि इस देश को बांटने की राजनीति हो रही है जातिगत धर्म के आधार पर, ये संकट बनेगा, आज संकट बन गया। उन्होंने कहा था नेहरू जी की जो औद्योगिकरण की, घोर औद्योगिकरण की जो उनकी पॉलिसी थी उस पर कहा था कि हमारे केंद्र होना चाहिए मनुष्य। दीनदयाल उपाध्याय जी बहुत दूरदृष्टि रखते थे और उनके उनके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। फिलहाल चूंकि वक्त हुआ है एक ब्रेक का, और ब्रेक के बाद भी सुमित से राजनीति की, दीनदयाल उपाध्याय की और कविताओं की चर्चा जारी रहेगी। फिलहाल लेते हैं छोटा सा ब्रेक। आइसक्रीम, ये है डबल आनंद। पहला आनंद पॉलिसी टर्म के अंत पर मैच्योरिटी क्लेम का पूरा भुगतान, और दूसरा आपके अपनों के लिए लाइफ कवर की पूरी रकम बिना किसी प्रीमियम के। LIC न्यू जीवन आनंद, आनंद ही आनंद। जीवन बीमा द्वारा बचत क्यों करें? ये बचत के साथ जोखिम भी कवर करता है।
ये कंपलसरी और सिस्टमैटिक सेविंग्स के साथ बचत प्रदान करता है। ये कर्ज वगैरह के रूप में लिक्विडिटी देता है। इन्हें कोलैटरल सिक्योरिटी के रूप में भी स्वीकार किया जाता है। लागू नियम अनुसार टैक्स कंसेशन भी मिलता है और पात्रता के आधार पर पाए बोनस के रूप में लाभ। भविष्य में अगर कोई जरूरत पड़ जाए तो आप पर है हमारी सुरक्षा की छाया। LIC, हर पल आपके साथ। लाइफ है प्यारी सी, जी लो हंसी खुशी, प्लानिंग करो अब लाइफ की, सेविंग्स करो, इंश्योरेंस पाओ। LIC के न्यू एंडोमेंट प्लान में पाइए बचत के साथ सुरक्षा भी। घर अपने खुशियां ले आओ। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। मेरे साथ में कवि सुमित, ओरछा वाले सुमित मेरे साथ में है। सुमित, हम दीनदयाल जी की बात कर रहे थे, उन्होंने जो दर्शन दिया, जो विचार दिया, वो भी लगता है कि राजनीति में आके कहीं फंस गया है। पता नहीं ये आपने कैसे सोचा, लेकिन पद पे आते ही, दायित्व पे आते ही, प्रधानमंत्री बनते ही ये संकल्प कोई ले ले कि हर घर में बिजली पहुंचाने का हमारा संकल्प है। पहली बार किसी ने लिया, हर व्यक्ति को मकान मिले ये हमारा संकल्प है। हर व्यक्ति को, तो अंतिम छोर के व्यक्ति की कल्पना सामने आती है, ये संकल्प है। और आज 1 अप्रैल 2019 का डेडलाइन थी, आज की डेट में कोई घर ऐसा नहीं है, टोल फ्री नंबर दिए गए हैं, कोई बताए कि जिसके घर में बिजली ना पहुंची हो। तो ये संकल्प लेकर के जब सरकार काम कर रही है, तो निश्चित रूप से वो दीनदयाल जी की अवधारणा पे काम कर रही है। अंतिम व्यक्ति तक लाभ पहुंचाने का जो संकल्प है, आयुष्मान भारत योजना क्या है? भारत में गरीबी का मुख्य कारण था कि लोग रोज इलाज नहीं करवा पाते थे। आज अंतिम व्यक्ति इंश्योर हो गया, बड़े लोगों को चिंता होगी, अंतिम व्यक्ति इंश्योर है कि उसका इलाज आयुष्मान भारत योजना में हो जाएगा। ये दीनदयाल जी की परिकल्पना। इस चीज को ठीक मानते हैं कि जब सरकारें आती हैं, चुनाव आता है, तो चुनाव जीतने के लिए हम अपने अच्छे काम तो नहीं बताते, ये बताते हैं कि आपको इतना फ्री में मिल जाएगा, आपको ये फ्री में मिल जाएगा, हम आपको इतना पैसा दे देंगे, आपके खाते में 6,000 डाल देंगे, 72,000 डाल देंगे, 12,000 डाल देंगे। ये परंपरा ठीक मानते हैं युवा होने के नाते? रीति नहीं है। हमने किसान को फसल के टाइम पर बोनी करने के लिए, या कृषि के समय जो काम समय आता है, जिस समय किसान को पैसे चाहिए पड़ते हैं और वो कर्जदार, आप वाकपटु हैं, वो अकान ऐसे पकड़े या ऐसे पकड़े, बात वही है। हम क्या पूरी पूरी की पूरी एक पीढ़ी को, हम क्या पूरी पूरी पीढ़ियों को हम क्या खैरात लेने वाला बना दें? किसी को काम करते समय, कृषि का कार्य करते समय आप उसे 2,000 रुपए की मदद कर रहे हैं, 2,000 की 3 बार। किस समय? जैसे उसे बीज के लिए पैसा चाहिए, खाद के लिए पैसा चाहिए, उसको लेबर के लिए पैसा चाहिए, उस समय आप 6,000 रुपए की मदद कर रहे हैं और एक योजना के तहत कर रहे हैं और प्रतिवर्ष कर रहे हैं। तो उसे पता है कि खेती करेंगे तो ना पैसा मिलेगा, सुनिए ना। और इधर आप कह रहे हैं कि जो फॉल्स घोषणा, और हमने ये घोषणा नहीं की थी, देश में बढ़ती हुई किसानों की आत्महत्या, देश में जो परिणाम थे उनको देख करके हमने काम किया। 6,000 दे रहे हैं तो राहुल गांधी 12,000 की घोषणा करें। गांधी जी जिस प्रवृत्ति की बात कर रहे हैं, राहुल आज की अखबार की खबर है, वो किसानों ने वो प्रमाण पत्र जला दिए जिन प्रमाण पत्र कमलनाथ जी की सरकार ने बांटे थे। मेरे मोबाइल में मैं आपको दिखा सकता हूँ, आप जूमिंग कर सकते हैं। वो कहना और करना, ना 10 दिन में मुख्यमंत्री बदला, ना 10 दिन में कर्ज माफ हुआ, लेकिन सरकार ने ये काम करके दिखा दिया। हमने कहा नहीं, 10% आरक्षण हमारे मैनिफेस्टो का अंग नहीं था। हमें लगा कि समाज में ये वर्ग है जिसे आवश्यकता है आगे बढ़ने के लिए, अभाव है उसको आगे लाने के। तो शिवराज सिंह जैसे नेता जब ये दावा करते हैं कि माइके लाल, और ऐसा करना होता तो चुनाव भी पहले नहीं, ये तो उसी का परिणाम है ना कि चुनाव में झटका लगा, चुनाव में झटका लगा, उसी के बाद तो हुआ ही। चुनाव के झटके से इसका कोई संबंध नहीं है। हमारी नीति है जिस जो जो हमारे सामने काम, क्योंकि हमें 72 वर्षों में ये पूरे देश में जिस तरह की नीतियां चली है उसके कारण जो हमारे सामने चुनौतियां आई, हमने उनको बहुत डट करके सामना किया है। आप ये नहीं कह सकते अब जो जो चीजें पहले क्यों नहीं किया, ये नहीं हो सकता। और हमारे मोदी जी तो ऐसे राष्ट्रनीति करते हैं कि जिस समय चुनाव होता है उस समय पेट्रोल के दाम बढ़ जाते हैं, वोटिंग होने के बाद चुनाव पेट्रोल के दाम कम हो जाते हैं, बल्कि इतना नियंत्रण तो जो वोट के लिए काम करने वाली सरकार है वो तो करती थी। नियंत्रण जो पेट्रोल के दामों पे चल, नहीं, जो चल रहा है 2-4-5 पैसे का चल रहा है, अगर ये 4 साल चला होता ना तो लोग मोदी जी को बहुत 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 साधुवाद देते। 4 साल प्रारंभ के 2.5 वर्ष तो 2000 उत्तर प्रदेश के चुनाव तक तो इतना सस्ता रहा है कि मतलब पेट्रोल के दाम सस्ते होना एक चर्चा का विषय था। लोग कह रहे थे कि वो इसके कारण सस्ता है, उस कारण सस्ता है। मोदी तो मोदी जी ने कहा था कि भाई हमारा भाग्य मान लीजिए, नहीं है 40 रुपए का पेट्रोल आज भी 80 रुपए ही मिल रहा है, कोई बहुत सस्ता नहीं है। लेकिन अब तो
वापस सरकार सरकार चाहे तो पेट्रोल 42 रुपए लीटर से ऊपर ना बिके। सरकार आयुष्मान भारत योजना कैसे चलाएगी, आवास योजना में 2,50,000 रुपए हर व्यक्ति को कैसे देगी, रोजगार क्यों नहीं देती सरकार, नौकरियां क्यों नहीं देती सरकारें, अगर समय पे नौकरी और रोजगार दे तो ये खैरात बांटने की जरूरत ही नहीं है, योजनाओं की आवश्यकता ही नहीं है। मैं आपसे प्रश्न पूछता हूँ, पहले 11 प्रश्न पूछने हमने आपको बुलाया है, आप जवाब दीजिए सर। उत्तर दे रहा हूँ लेकिन उत्तर में एक प्रश्न क्रिएट हो रहा है, इसलिए आप सहजता से उसका मतलब हाँ या ना में बता दीजिए। 11 किलोमीटर पहले भारत में सड़क बनती थी नेशनल हाईवे, आज 30 किलोमीटर के लगभग 29 किलोमीटर के लगभग बन, फिर भी रोजगार नहीं है। यही तो मैं प्रश्न पूछ रहा हूँ कि फिर भी रोजगार नहीं है, फिर भी रोजगार नहीं है, रोजगार बेरोजगारी के जो आंकड़े थे, बेरोजगारी के जो आंकड़े थे वो 29% बढ़ गए, तो कहीं ना कहीं यही तो गड़बड़ है, यही तो गड़बड़ है कि आप जो तर्क आप आंकड़े देते हैं वो आंकड़ों को तर्क हजम नहीं कर पाता, इसलिए कि आंकड़े आंकड़े आधे फर्जी होते हैं। ऐसे भी बात आ रही है, ये भी आंकड़ों की आ रही है, और उनके आंकड़े सच्चे हमारे आंकड़े झूठे कैसे, जो देश की जनता है, देश की जो जनता है वो आंकड़े हजम नहीं कर पा रही। 8 करोड़ लोगों ने उद्यमी प्रोत्साहन योजना में लाभ लिया है, 19 करोड़ लोगों ने मुद्रा योजना में लाभ लिया है, करोड़ों रुपए की सब्सिडी दी है, 27,000 करोड़ रुपए का स्वयं सहायता समूहों को आजीविका के लिए पैसा दिया गया है, तो इससे बेरोजगार होंगे लोग कि रोजगार होंगे, हमने पहले से बेहतर काम किया है। एक स्टेटमेंट दे रहा हूं आपको, 1951 में नेहरू जी का स्टेटमेंट, मैं ये कह रहा हूं आप नेहरू जी छोड़िए, आप ये बताइए 29% बेरोजगारी क्यों बढ़ गई सर। मैं बता वही मैं बता रहा हूं, नेहरू जी ने अरे नेहरू जी छोड़िए, हम तो 14 से 19 की बात कर रहे हैं, हम तो 14 से 19 की बात कर रहे हैं, इसमें नेहरू जी और मनमोहन सिंह जी जा चुके हैं, उनका नहीं है, अब आपका शासन है। आपसे लोग सवाल कर रहे हैं कि आप रोड बहुत बना रहे हैं, आपने डेवलपमेंट कर दिया, आपने चांद तक सड़क बना दी, लेकिन रोजगार नहीं दिया। रोजगार मिला है लेकिन गलत आंकड़े प्रस्तुत किए जा रहे हैं, हम कह रहे हैं कि जब बात यही तो हम कह रहे हैं कि आंकड़े गलत हैं। 2000 आप देखिए, संस्था IMF कह रहा है जो सबसे बड़ी, आप किन देखिए हो क्या रहा है कि आंकड़े करने देने वाली कई संस्थाएं हैं, ये जो लोग हैं वो आंकड़े किस कभी किसी के संस्था। सुमित आप नेता से पहले कवि हैं, इस देश में दो किस्म की संस्थाएं, एक अवार्ड देती हैं, दूसरी अवार्ड लौटाती हैं, हमारे अवार्ड वापसी गैंग भी है, अवार्ड देने वाली गैंग भी है ना, टुकड़े टुकड़े गैंग भी और जोड़ो जोड़ो गैंग भी, हमारे सारे काम एक साथ चलते हैं, दो धाराएं चलती हैं। मूल मुद्दा इसका नहीं है कि हमने ये किया हमने ये किया, बेसिक मुद्दा ये है, मुझे लगता है कि अगर आप उससे सहमत शायद सहमत हो, इस देश के आप युवा हैं, जागरूक युवा हैं इस नाते, कि सरकारों को ऐसा कुछ ठोस करना चाहिए कि किसी भी किस्म की खैरात ना बटे और लोग अपने सम्मान से कमाएं, है ना। अब मुद्दे की बात पे आता हूं सुमित, कभी दरिया हमारे पास है समंदर तलाश करें, दरिया आपके पास है समंदर तलाश करेंगे, मैं तो दूसरी परंपरा का आदमी हूं। गिरवी रख करके मनमोहन ने देश दिया हमको, हमने आज सोना, मनमोहन ने गिरवी नहीं, वो चंद्रशेखर ने रखा था, मनमोहन 2013 में, मैं जो बात मैं करता हूं मैं प्रमाण से बात करता हूं, 2013 में मनमोहन सिंह ने सोना गिरवी रखा, मैं आपको प्रमाण दिखा सकता हूं, आप जूम करेंगे, मैं जूम करने की आवश्यकता ही नहीं, मेरी मेमोरी ठीक ठाक है, और मैं जो कह रहा हूँ ना, उस परंपरा के आदमी को मैं हमेशा सम्मान करता हूँ कि हम भी दरिया हैं पर सागर हमारी मंजिल नहीं, हम भी सागर हो गए तो हमारा क्या रह जाएगा, कुछ नया करते हैं। ये बताइए कि कविताओं में कैसे आए, कविता एक ऐसी घटना हुई कि विद्यार्थी परिषद का कार्यकर्ता होने के नाते एक बार ऐसा तय किया कि समाज में हमारे ओरछा में पर्यटक स्थल था, कई लोग पश्चिम की संस्कृति में डूब करके ओरछा में जो एक धार्मिक नगरी है उसमें वैलेंटाइन डे के दिन बिलास करने के लिए आने लगे, उनका विरोध करते करते एक हमारे SDOP थे संजय साहू जी, उन्होंने मुझे थोड़ा सा धमकाया, उस धमकी भरी वातावरण में जो हमारे बीच में वार्तालाप हुआ और वो कविता बनी, पहली कविता थी वैलेंटाइन डे मेरी। पिताजी मुझे राजनीति में जाने से मना करते थे, सारे खर्चों पर रोक लगा दी थी, मैंने एक कविता लिखी कि देश के लिए अगर भगत सिंह और वो कहते थे डॉक्टर बनो, मुझे रुचि यहाँ पर थी तो मैंने कविता लिखी थी, उसमें कविता का अंश था कि भगत सिंह और राजगुरु भी अगर डॉक्टर बने होते तो क्या आज देश में हम आजाद होते, इस तरह की। तो वो कविता मैंने उनको सुनाने की हिम्मत नहीं थी क्योंकि वो पुलिस में, वैसे ही पिताजी बुंदेलखंड मतलब भारत का पिता, फिर बुंदेलखंड का पिता और उसमें से भी पुलिस, तो इतनी हिम्मत नहीं कि उनको, तो मैंने अपने मामा जी को वो कविता सुनाई, फिर मामा जी ने भूमिका बनवा करके उनके सामने कविता करी, तो वो एक कविता थी, एक वैलेंटाइन डे की कविता थी। और उसके बाद हमारे विभाग प्रचारक श्री पवन जी ने मुझे कविता के प्रति ज्यादा राजनीति की अपेक्षा मोटिवेट किया, मेरा उपयोग कवि के रूप में उन्होंने करना शुरू किया, इससे मेरी कविता की प्रतिभा को बहुत पहचान,
और वो इतनी मिली कि कई बार मुझे करना पड़ता है कि मेरा ये क्षेत्र थोड़ा छोटा। देखिए, एक आपने बात कही कि सुमित बेबाकी के लिए जाने जाते हैं, लेकिन आजकल भाजपा की बात कर रहे हैं। मैं आपको एक अच्छी बात बताता हूँ, 2014 में सरकार बनी हमारी, अभी हम चुनाव में जा रहे हैं, 2014 में जब सरकार बनी हमारी तो किसी नेता ने कह दिया कि अच्छे दिन सरकार बनते ही अच्छे दिन आ गए। पहली आपत्ति थी सुमित ओरछा की, मैंने कहा अभी अच्छे दिन नहीं आए, अच्छे दिन आने का मतलब भारत माँ खुश है। मैंने कविता लिखी फिर, और बड़े देश के केंद्रीय मंत्री हुआ करते श्रीपद नायक जी, उनके सामने पढ़ा मैंने कि अच्छे दिन आने का मतलब भारत माँ खुशहाल, माना अच्छे दिन का सपना तुमने ही तो दिखलाया है, घोर निराशा में आशा का दीप जलाना सिखलाया है, पर अच्छे दिन आने का मतलब भारत माँ खुशहाल बने, खंड सीमाएं मिल जाए भारत वर्ष विशाल बने, अच्छे दिन आने का मतलब गौहत्या प्रतिबंधित हो, कश्मीर में कश्मीर की क्यारी महके घाटी भी आनंदित हो, अच्छे दिन आने का मतलब निर्मल गंगा का पानी। पी रही हैं प्रियंका जी, अच्छे दिन आने का मतलब निर्मल गंगा का पानी, फिर से धरती माता उड़े हरी हरी चूनर धानी, जिस दिन अपने रामलला का मंदिर भव्य बनाएंगे उस दिन अपने भारत के कुछ अच्छे दिन आ जाएंगे। तो मैं आज भी उस बात पर कायम हूँ, गंगा जी निर्मल हुई है, काम हुआ है, सतत लंबी प्रक्रिया है, चलेगा, लेकिन हमारी दिशा ठीक है, इसलिए मैं साथ हूं। अगर आप यकीन मानिए, मैं नहीं देश, जब स्ट्रेट फॉरवर्ड राष्ट्रवाद की राजनीति किसी जमाने में कभी कांग्रेस करती थी, 1971 में देखा होगा या कहीं भी, उस समय कांग्रेस के साथ देश खड़ा था, लेकिन जहां कांग्रेस ने तुष्टीकरण को अपना मुख्य एजेंडा बनाया, देश ने साथ छोड़ दिया। मैं भी हूं, मुझे लगता है कि इस देश के लिए, देश को आगे रख करके, नेशन फर्स्ट के नारे के साथ भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी खड़े, इसलिए मैं उनके साथ खड़ा हूं और तब तक खड़ा रहूंगा। लोगों ने कहा कि तुम कवि होकर के मोदी जी की तारीफ करते हो, मैंने कहा 72 वर्षों में पहला प्रधानमंत्री देखा है जिसे चंद्रशेखर आजाद की समाधि भी, मेरे आराध्य है, मैं उनकी पूजा करता हूं, जो चंद्रशेखर आजाद के जन्म स्थान को प्रणाम करके पहले प्रधानमंत्री को देख रहा हूं जो सैनिकों के साथ दिवाली के दिए जला रहा है। माना कविता धर्म नहीं है वो सत्ता के गीत लिखे, कवि धर्म है सदा सर्वदा सत्ता के विपरीत लिखे, किंतु होगा मद में राजा तो आगाह करेगी कविता। अगर मोदी जी भी इटली छुट्टी मनाने के लिए हर 2 महीने में जाएंगे परिवार के साथ, तो शायद हम उनका भी विरोध करने लगेंगे कि माना कविता धर्म नहीं है वो सत्ता के गीत लिखे, कवि धर्म है सदा सर्वदा सत्ता के विपरीत लिखे, किंतु होगा मद में राजा तो आगाह करेगी कविता, पर वो होगा समर भूमि में तो उत्साह भरेगी कविता। यह भूषण की परंपरा है, यह भूषण की परंपरा है, कालिदास का कर्म यही, छत्रसाल सा शासक हो तो फिर कविता का धर्म यही। मैं अपने धर्म का, कभी राहुल गांधी पे लिखा कुछ, कुछ अच्छाइयां लगी उनमें आपको, लगी? मैं आपसे ही पूछता, आप 10 अच्छाइयां गिना दीजिए। मुझे तो राहुल गांधी अच्छे लगते हैं, कुंवारे हैं एक तो, और घूमते हैं, लोगों का मनोरंजन करते हैं, थोड़ी थोड़ी राजनीति की बात करते हैं, जिसे मैं उनका कदर करता हूँ। उनके कारण एक अच्छा हुआ, एक देश की एक बलिदानी कौम, एक देश की ऐसी कौम जो जिसके अंदर राष्ट्रभक्ति कूट कूट करके भरी हुई थी और देश के लिए बलिदान में उस कौम के ऊपर बनने वाले चुटकुले अब राहुल गांधी के ऊपर बनते हैं। एकमात्र योगदान के अलावा इस देश के लिए राहुल गांधी का कुछ भी मुझे नहीं समझ में आता है। युवाओं को, आप जैसे तमाम सारे युवाओं, उन्हें क्या लगता है राहुल गांधी के बारे में? मैं वो असंसदीय शब्द बोलना नहीं चाहता, चुनाव आचार संहिता लगी हुई है, लेकिन बिना मेरे बिना बोले लोग समझ गए होंगे कि ये पप्पू की बात कर रहे हैं। राहुल गांधी पे कुछ लिखा कभी? वो संसद को भी नींद का बिछौना बना सकता है, उसे मैदान भी अगर दे दो वो कोना बना सकता है, हमारे देश में एक ऐसा भी अजूबा है, भगवान की कृपा है उनके ऊपर, जिसे आलू आप दो वो सोना बना सकता है। और भोपाल में उनकी संपत्ति 1600 गुना बढ़ गई, तो लोगों ने कहा कि 1600 गुना संपत्ति कैसे बढ़ गई? मैंने कहा सबको पता है, मैंने कहा सबको पता है कैसे बढ़ गई होगी, उनके पास मशीन है भाई, उनके पास, वो देश का कुछ भला करते अच्छा होता। लेकिन अगर वो आलू से वो सोना बना लेते हैं तो फिर सोना गिरवी क्यों रखते थे, मेरी आज तक समझ में परे है। वो तो कहते हैं वो आलू से सोना भी बीजेपी ने बनवा दिया था, उन्होंने कहा कुछ था, वो कट पेस्ट हो गया था। ये काम करोगे तो ऐसा ही होगा, इस तरह की वार्तालाप। अच्छा आप ये अब आप दौरे पे निकले, पॉलिटिकल दौरे पे निकले हैं, बीजेपी कांग्रेस को आपत्ति है कि मोदी राहुल गांधी से लोग पप्पू कहते हैं। मैं कह रहा हूं मुझसे कोई पप्पू गए मुझे बुरा नहीं लगेगा, अगर आपके अंदर वो क्वालिटियां नहीं होंगी, वो उस तरह के आप काम नहीं करोगे तो आपको बुरा नहीं लगेगा। पप्पू कहने को, फेंकू कहने को इनको भी ठीक नहीं मानता, कहना ही नहीं चाहिए। चाहे मोदी मोदी जी को कोई फेंकू कहे या राहुल गांधी को पप्पू कहे, मैं इसका मुझे ठीक नहीं लगता। जिन्होंने इस देश से, देश के दुश्मनों को, इस देश के अंदर उन शक्तियों को जो इस देश को तोड़ने की कोशिश कर रही थी, उनको ऐसा फेंका है और ऐसा फेंकने वाले हैं कि इनको गली नहीं मिलेगी भागने के लिए, ये बिल्कुल सत्य कह रहा हूँ। लेकिन ये बात सही है सुमित कि मोदी जी के साथ युवा जुड़े हुए हैं, तमाम सारे लोग उनको देखते हैं, और जहाँ राष्ट्रभक्ति की बात आती है
वो ईमानदार आदमी है, लेकिन कई बार कुछ किस्से ऐसे हुए राफेल को लेके, तमाम सारे मुद्दे हुए नोटबंदी से लेके अब तक, जिन पे उन पे बड़े सवाल उठाए गए। पूछ लीजिए, मैं सवाल तब आप जब जाते हैं युवाओं में, युवाओं के बीच में जब जाते हैं, युवाओं के बीच में जाते हैं तो क्या इंटरेक्शन होता है सब राफेल को लेकर के? देश जानता है, मैं तो एक बात कहता हूं, कई बार सरकार के इतने बड़े बड़े फैसले सरकार ने लिए हैं कि कई फैसले सर किसी को नोटबंदी अच्छी लगती होगी, जिसके हजारों करोड़ चले गए होंगे उसको नोटबंदी खराब लगती होगी, लेकिन एक बात में पूरा देश एक राय है। कुछ लोग छोड़ दीजिए जो खानदानी रूप से झूठ बोलने के आदी हैं, उनको छोड़ दीजिए, तो पूरा देश ये जानता है कि नरेंद्र मोदी की राष्ट्रभक्ति पर कोई संदेह नहीं है। और मैं एक प्रश्न पूछता हूं, पूरी सरकार के 5 साल के कार्यकाल में एक भी घोटाले, राफेल छोड़ दीजिए, राफेल का मुद्दा मैं राफेल पे ही आ रहा हूं, राफेल में दलाली खाई है ना, 2G में खाई है ना, 3G में खाई है ना, कोल में खाई है ना, अन्य किसी प्रकार के किसी प्रकार का कोई मुद्दा नहीं है। राफेल पर क्यों बात कर रहे हैं? क्योंकि इसमें गोपनीयता का अनुबंध कांग्रेस जोड़ के गई है, गोपनीयता का समझौता है, और इस एकमात्र गोपनीयता के उस अनुबंध की शर्त, क्योंकि ये तो सड़क छाप आदमी हो गए, उसी तरह की भाषा तू तड़ाक की यूज करते हैं, तो इनकी भाषा के स्तर पर सरकार तो नहीं उतरेगी। सरकार के पास तो राफेल की गोपनीयता नहीं, उनको उनको बीमारी है, उनको बीमारी, हर चीज के सबूत मांगते हैं वो, कि गोपनीयता का अनुबंध वो इसलिए सबूत मांग रहे हैं कि मैंने तो मोदी जी को ट्वीट किया था कि आप इनको सबूत मत दो, आप कितने ही दोगे नहीं मानेंगे, क्योंकि हम लोग कैसे बुंदेलखंड में है तो अरे हमारे दद्दा कह गए थे ऐसो ऐसो, मतलब ऐसी बुंदेलखंडी में बोलते हैं कि हमारे ये बात तो हमारे दद्दा कह गए, यानी जो बात पुरखे कह गए वो सही है, ऐसी एक अवधारणा है हमारे मन में, उनके मन में भी है, कितना भी समझाओ उनको फील नहीं हो सकती है, उनके मन में निर्मलता की झील नहीं हो सकती है, जिनके पुरखे बता गए हों वो तो यही मानेंगे, बिना दलाली हथियारों की डील नहीं हो सकती है, उनका खानदानी अनुभव है, खानदानी पेशा रहा है इस तरह के कामों में को करने का, इसलिए उनको लगेगा। लेकिन नरेंद्र मोदी जी एक पाक साफ कंचन की भांति, जो कंचन की भांति निज दिन ही ज्वाला में तपता हो, जिसका मन बस भारत माता जपता हो, जिसके मन में भारत माँ की खुशहाली का सपना हो, सवा अरब का सारा भारत जिसको लगता अपना हो, वही नेता भारत माँ को, वही नेता कठिन नोटबंदी के यह निर्णय कर सकता था, वही नेता कंटक पथ के यह निर्णय कर सकता था, वही नेता भारत माँ को विश्व विजय कर सकता था, और इसलिए उन्होंने किया। हुई प्रेम गीत लिखने की इच्छा हुई, लेकिन प्रेम गीत लिखे भी, गीत नहीं लिखे, कविताएं लिखी प्रेम के ऊपर, जब उस अवस्था से, उस विकृति, मतलब विकृति तो नहीं कहूंगा, लेकिन संक्रमण के दौर से जब मैं गुजरा प्रेम से, पागल हूं मैं मैं तो कभी भी उसी कारण से हूं, पागल हूं मैं नामुमकिन सी अभिलाषा में जीता हूं, इस दुनिया में प्रेम प्यार की परिभाषा में जीता हूं, जिसके कारण लिख पाया एहसास महकते कागज पर, कभी सुनेगी वो मुझको मैं इस आशा में जीता हूं। आज भी जब मुझे टीवी पर, जी न्यूज पर, News24 पर, बड़े बड़े चैनलों पर, रोज मुझे कोई कवि सम्मेलनों में, मुझे लगता है कि आज शायद वो सुन ले तो अच्छा लगेगा, आज वो सुन ले और कल सारा जमाना सुनेगा। सुमित, आप स्टूडियो में आए, आपने हमसे बातचीत की, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और आपका मिशन कामयाब हो, इसके लिए आपको शुभकामनाएं, आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाजत दीजिए, नमस्कार।